फार्म पे हो गया लंच टाइम, मैं अपनी लिस्टिंग नेडल हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ। सुबह तो डॉग मुझे कुछ करने नहीं देते, तो रास्ते में जिन जिन जंगली पौधों से मेरी जान पहचान है मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, उनके यूजेस और मिस यूजेस दोनों ही बताऊंगा। ये है मॉर्निंग ग्लोरी, सबसे पहले मैं आपको इससे मिलवा देता हूँ क्योंकि ये अब ऑलमोस्ट खत्म है। आगे जो भी इसके भाई बंधु हमें दिखेंगे वो सूखे ही होंगे और उस पर बीज आ गया होगा, और इसके बीज का मिस यूज होता है तो वो मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा। बाय द वे, मैं तो सिर्फ कुछ ही पौधों को पहचानता हूं, तो जिनको आप पहचान रहे हैं आप कमेंट्स में मुझे बताना, क्योंकि अपना तो फंडा है कि भाई टीच वंस लर्न ट्वाइस। आहा, ये लगा हुआ अप्पा मार गया, जिसे पुटकंडा भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो बीज हैं इसका कांटा जो है नीचे की तरफ है, इसकी जो ये स्टिक है लग गए कांटे मुझे हल्के हल्के, पर चुभते नहीं है। ये जो है दातुन के तौर पे इस्तेमाल होती है, दातुन च्यू स्टिक, पर अगर आपको पता नहीं दातुन किसे कहते हैं तो आप इस्तेमाल भी नहीं करते होगे। फिर वो पौधा जिसके चक्कर में मैं आया हूँ, ये है हमारा स्टिंगिंग नेटल। ध्यान से, क्योंकि इसको टच किया तो ये स्टिंग करेगा। अब मैं ये वाला हार्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि सड़क के साइड में जो है ना गाड़ियों की फ्यूम्स होती है वो इन पे जम जाती है, प्लस जो लोग होते हैं वो इन पे अपने आप को रिलीव कर सकते हैं, तो मैं अगर हार्वेस्ट करूंगा अभी तो मेरे को ऊपर ऊपर वाले चाहिए, तो मैं थोड़ा जंगली इलाके में जाके इसको हार्वेस्ट करूंगा। ये बड़ा ही कॉमन पौधा है, इसको कहते हैं फुलनू, ये आपको जगह जगह दिखेगा। अब इसके पत्ते का एक बड़ा फायदा है कि आपको अगर चोट लग गई, कट लग गया, तो आप इसके पत्ते को थोड़ा पीसेंगे ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो इसके पत्ते को आप थोड़ा मसल देंगे तो इसका एक जूस सा निकल आएगा, वो जब आप चोट पे लगा देंगे तो एक तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, प्लस ये हीलिंग में भी मदद करेगा, तो आपका ब्लड जो है रुक जाएगा। ये देखिए कितना ये जूसी सा है, पर वैसे ये मुसीबत है, हमें खेतों से इसको उखाड़ते रहना पड़ता है, पर हाँ अगर आप हाइक पे हो और कट लग जाता है वेरी यूजफुल। ये जो झाड़ियाँ लगी हैं ना, ये बेर की झाड़ियां लगी हैं, इन पे बेर है नहीं, तो अब जब मैं स्ट्रीम के पास पहुंचूंगा वहां पे हमें बेर मिलेंगे, क्योंकि रोज मैं सुबह चुनता हूं तो मुझे पता है। कड़ी पत्ता हमारे यहाँ ये जंगली उगता है, खाने में तो ये डलता ही है, इसके बड़े सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं, वो तो आप फिर गूगल कर सकते हो, उसमें मैं क्या जाऊँ, ये तो बड़ा ही कॉमन सा प्लांट है। अब मैं खड़ के करीब पहुंच रहा हूँ ना, तो ये बरे करके एक घास है, तो इसकी जो जड़ है ना इसका मेडिसिनल यूज होता है, इसकी खुशबू जो है घास की दालचीनी जैसी लगती है। हम तो जड़ का इस्तेमाल नहीं करते, ऑलरेडी खुशबू आना शुरू हो गई, हम तो इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके पत्ते और दरेक जिसे महानिम भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस ऑल्टीट्यूड में नीम नहीं होता, उसके पत्ते और सफेदे के पत्ते, यूकलिप्टस के पत्ते भैया, हम अनाज में डाल देते हैं ताकि कीड़ा ना लगे। अब इसे तो मैं सर को यहीं छोड़ देता हूँ, वापसी में इसको अपने साथ ले जाऊंगा। अभी से इंटरेक्टिव वीडियो होता ताकि आप मुझे ध्यान भी दिला सकते यार, इसको भूलना मत। बाय द वे, आपको पता है हिमाचल में अमरूद भी जंगली है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, अमरूद का पत्ता आप चबाएंगे तो मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे, आपने निगलना नहीं है, उसको स्पिट कर देना, क्योंकि इसका पत्ता एस्ट्रिंजेंट होता है, यानी कि जो पोर्स होते हैं उनको टाइटन करता है ये। अब हम पढ़ रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट कैक्टसेस की ओर। अब मैं रेगिस्तान में रहा हूं अपने जिंदगी के 10 साल, तो मुझे कैक्टस तो पसंद है, पर ये कैक्टस फनी है कि यहाँ पे जो कि ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे भी उग रहा है। अब हम एंटर कर रहे हैं उनके एरिया में, ये है आपका प्रिकली पेयर, आप देख रहे हो कितने सारे लगे हुए हैं, तो इसका ये जो ऊपर वाला फ्रूट है ना, ये हम इसके अंदर जेली होती है ये खा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला काम है, क्योंकि भाई एक तो जो इसके ये पैड हैं जैसे आप इनको कुक करके खा सकते हैं, आप गूगल करिएगा इसकी सब्जी कैसे बनती है, इन पे कांटे होते हैं, वो तो खैर एक बार ही चुभेगा, कोई टेंशन नहीं है। जो इसका फ्रूट है जिसके लिए हम आए हैं प्रिकली पेयर, इस पे छोटे छोटे कांटे हैं, ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से पकड़ना है, नहीं तो वो कांटे दिन भर इरिटेट करेंगे। हल्का सा ट्विस्ट और ये उतर गया। मैं तो अपने साथ एक बैग लाया हूँ जिसमें भाई साहब को मैं कर लिया डिपॉजिट, मैं आया हूँ तो मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये काफ़ी बड़ा मज़ेदार पका हुआ सा लग रहा है, डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग पौधा है ये। अब इसके जो पत्ते गिरते हैं ना, ये जो गिरा हुआ पत्ता है ये जड़ें फॉर्म कर लेगा, फिर वहाँ पे एक नया कैक्टस निकल आएगा। एक और चीज़ है, इसके जो पत्ते गिरते हैं ना सूखे, उसका एक बड़ा अच्छा यूज़ है, उसमें एक स्केलेटन सा होता है जिससे आप ज्वेलरी वगैरह बना सकते हो, पर यहाँ पे जो भी सूखे पत्ते हैं वो या तो सड़ गए हैं पानी की वजह से या उनके ऊपर से ट्रैक्टर निकल गया। अगर मुझे कोई एग्जाम्पल मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक बाकी के पौधे। ये देखो, किसी ने वो जो घास मैंने आपको दिखाई थी ना बरे, उसकी जड़ यहाँ पे सुखा के डाली हुई है, पत्ते उन्होंने फेंक दिए हैं, तो क्योंकि जड़ जो है वो बिक जाती है, इसका मेडिसिनल यूज होता है। अब आ गए बेर, मैंने आपको पहले इसका पौधा दिखाया था उस पर बेर लगे नहीं थे, ये वही बेर हैं जो बचपन में शकरकंदी वाला
बेचने नहीं आता था भाई, सेम ही तो मौसम है ना जिसमें शकरकंदी आती है। लग गया काटा। जितना ये सूखा होगा ऐसा श्रिवल्ड सा, उतना ये मीठा होगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जूजू, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मैं तो खैर इसलिए खाता हूँ भाई, सुबह सुबह स्वाद फ्रूट मिल रहा है, क्यों ही छोड़ना। पहले इस जगह बड़ी सारी बेर की झाड़ियां होती थी, पर अब यहाँ खड़गे इलाके भी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। थोड़े टाइम में यहाँ पे एक वो भी आना है, अनाज मंडी भी, तो फिर ये भी जो जंगली सा इलाका है थोड़ा धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। ये लगा वो पौधा जिसको लेके रील पे बहुत बहस छिड़ गई थी कि भाई, मैं कह रहा था हमारे यहाँ तो हिमाचल में काली डंडी वाला जो है हम नहीं खाते, इसको हम भुज्जी कहते हैं, और बड़े सारे लोग कहते थे नहीं हम तो काली डंडी वाला ही खाते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट दोबारा नहीं शुरू करना, इसको छोड़ देते हैं। अब मैं आपको दो ऐसे पौधे दिखाना चाहता हूँ, एक का तो मुझे पता है कहाँ है, दूसरा ढूंढना पड़ेगा, जिससे आपको सिगरेट छोड़ने में मदद मिल सकती है। एक तो दिख गया मुझे, ये इसका नाम है मुलिन। मैं इस साइड से चलता हूँ नहीं तो मेरी छाया ही आ जाएगी इस पे। ये है बाइनियल पौधा, जिसे पेरेनियल होते हैं जो परमानेंट लगे रहते हैं, एनुअल होते हैं जिसको हर साल लगाते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल है 2 साल की है, तो इस पे जो फूल आता है जैसे पीले रंग का होता है, ये तो बिल्कुल सूख चुका है, वो आता है 2 साल में एक बारी। अब इसका जो पत्ता है ना, वो आप सुखा सकते हो और टबैको में एज एन एडिटिव डाल सकते हो। मैं थोड़ा विस्तार करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपकी सिगरेट की आदत छूट नहीं रही ना, आप हैंड रोल करना शुरू कर दो, एक तो आपका पैसा जो है कम जलेगा, दूसरा जब भी आप सिगरेट पियोगे आपको रोल करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट लगेगा, आप थोड़ी कम पियोगे। फिर आप उसमें जब एडिटिव डालोगे, जैसे आपने मुलिन का पत्ता सुखा के डाल दिया, या पुदीने का पत्ता सुखा के डाल सकते हो, बेजिल जो है उसका पत्ता सुखा के डाल सकते हो, उससे क्या है कि टबैको की मात्रा कम हो जाएगी। जब टबैको कम होगा तो निकोटीन कम होगी। अब निकोटीन का फंडा ये है, निकोटीन है एडिक्टिव, यानी कि वो आपके सिस्टम को खुद पे डिपेंडेंट बना रही है। तो आपके सिस्टम को जब निकोटीन नहीं मिलती तो विड्रॉल में जाता है। विड्रॉल में जाने का मतलब है कि वो मांगता है निकोटीन, तो आपको सिगरेट पीने की तलब उठती है। अब जब निकोटीन की मात्रा ग्रेजुअली आप कम कर दोगे, आपकी डिपेंडेंसी उस पे कम हो जाएगी, फिर आप सिगरेट तब पियोगे जब आपका मन करेगा, भाई यारों दोस्तों के साथ बैठे हैं, भाई ठंड है, चल यार एक सिगरेट पी लेते हैं, है ना। इसलिए एडिटिव्स का ये फायदा है। स्मोकिंग आदत ही नेस्टी हैबिट है, मैं तो छोड़ चुका हूँ हेल्थ रीजंस की वजह से। लेकिन अगर आपने सिगरेट पीनी है तो उसमें टबैको कम करके एडिटिव डालो। जो एक और एडिटिव है वो है मगवॉर्ट, वो पौधा मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसका ये है कि जब वो आप टबैको में मिक्स करके पीते हो तो सपने आपको इंटरेस्टिंग आते हैं। खैर घर की ओर पूछ करते हैं, रस्ते में ही मैं मगवॉर्ट ढूंढूंगा। यार इतना सुंदर दिन है, धूप है, खड है, मेरे पास काम ना होना तो मतलब मैं बस ऐसे यही करूँ कि धूप में पड़ा रहूँ और कुछ ना करूँ। यही मैं हमेशा से करना चाहता था लाइफ में, उस पॉइंट पे पहुंचा हूँ जहाँ पे मेरे पास कुछ ना करने की आज़ादी हो। भाई पौधे और लाइब्रेरी है ना, मुझे थोड़ा वो कर देती हैं एक्टिवेट। अब ये मुझे दिखा है सेना का पौधा, ये मॉनसून प्लांट ऑफ इंडिया है। तो इस समय तो ना इसमें पत्ते हैं ना इसमें वो है फूल, इसके पीले फूल होते हैं, इसमें सिर्फ बीज हैं, वो भी सड़ गए हैं शायद। अबे यार सड़ गए हैं, सभी सड़े में। इसके जो सूखे हुए बीज है ना, तो अगर आप इसको फल्ली को खिलाते अगर ये ठीक होता तो ये बचता। और ओ एक बीज निकला है, एक बीज ये। तो इसके बीज को अगर आप टोस्ट कर लें, जैसे तवे पे टोस्ट कर लें, फिर ग्राइंड कर लें, तो कॉफी का काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट का काम करता है। कैफीन नहीं होती पर एक वो ब्राउन सा टेस्ट होता है, इसको नीग्रो कॉफी भी कहते हैं, जो कि पॉलिटिकली करेक्ट नाम नहीं है अब तो। खैर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो भिंडी का बीज होता है ना सूखा हुआ, उसे भी अगर आप भून लें और फिर ग्राइंड करें तो वो भी एक कॉफी जैसी बेवरेज बना देता है। मतलब ये वो है कड़की के दिनों वाले काम है ये। डैम जैकपॉट, बड़े सारे बेर। जो गिर जाएंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे और मेरे साथ पशु पक्षी कीड़े सभी को ही खाना है। बेशुमार कांटे लग गए हैं मुझे आज। ओके 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 ओके, लालच का तो कोई अंत नहीं है, जितना मुझे चाहिए मैंने ले लिया। जाने से पहले ना मैं आपको एक प्रिकली पेयर काट के भी दिखाता हूँ। अभी मैं खाऊंगा नहीं, इसके मैंने कांटे तो निकाले नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ और पीछे हो जाता हूँ, इसके छींटे उड़ेंगे। ऑफकोर्स मेरे पास 2 हाथ होते तो आसानी से काट पाता मैं, मतलब मेरे पास 2 हाथ हैं पर एक से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो अगर इसके कांटे निकाल दिए होते मैंने तो मैं इसको आराम से स्कूप करके खा सकता था। मुझे ध्यान आया मैं वो घास उठाना भूल गया। खैर नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने आपको कहा था ना कि मॉर्निंग ग्लोरी बाकी हर जगह सूख गई होगी, तो ये सूख गई है, कई जगह इसके बीज बन गए। ओके ये इसके बीज हैं, बड़े वेलवेटी से दिखते हैं। इनके बीजों में एक केमिकल होता है LSA, तो इसके बीजों की लोग पुड़िया बना के बेचते हैं
ये LSD थोड़ा LSD जैसा काम करता है, पर ये आपको नॉजियस कर देगा, वॉमिटिंग आएगी और बहुत पेनफुल हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा गंदे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है, तो इससे इसलिए दूर रहें। ये दो और पौधे मुझे और मिले हैं, रिया और परी बिंद्रेश की बेटियाँ। अब मैंने आपको कहा था एक और पौधा मैं आपको बताऊँगा जो आप एज अ स्मोकिंग एडिटिव टोबैको रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिख तो रहा नहीं है, और अब ये दोनों मेरे साथ हो गए हैं। तो आप ऐसा करो, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं कर रखा। मेरे को जैसे ही वो पौधा मिलता है मैं उसकी एक रील बना के अलग से डाल दूंगा।